हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर का सलूशन लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो सीरीज। पहला क्वेश्चन, बेसिलस थुरिंजेंसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैव कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन, मीनामाता रोग प्रदूषकों के कारण होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, मरकरी के। अगला क्वेश्चन, मोनस्कस परप्यूरियस एक खमीर है जिसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एजेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन, किण्वन के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ईस्ट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कीट विकर्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला नीम उत्पाद है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, एजाडिरेक्टिन। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के सूक्ष्म जीव सबसे अधिक सक्रिय हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन, ताजी हवा में आयतन के हिसाब से लगभग कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, 0.03%। अगला क्वेश्चन, जीवाणुनाशक क्या है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, एक एजेंट जो बैक्टीरिया को मारता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें भी लगे कि फ्रेंड्स हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपके काम आ रहा है। अगला क्वेश्चन, कार्बन चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, चक्री। अगला क्वेश्चन, फिलोस्फियर क्या है। ऑप्शन ई इज दी राइट आंसर, रोगाणुओं द्वारा बसाई गई पत्ती की सतह को फाइलोस्फियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीकरण करने में सक्षम है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, थायोबेसिलस थायोऑक्सीडेंस। अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण पूरा किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, वी नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइलेज उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, चावल का भूसा। अगला क्वेश्चन, पारदर्शी ईंधन बनाने के लिए बायो एथेनॉल को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, पेट्रोल के साथ। अगला क्वेश्चन, सीवेज के एरोबिक पाचन का उपयोग। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, माइक्रोराइजा कवक है जो पौधे की जड़ों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहजीवी संबंध बनाते हैं। ऑप्शन बी, कवक पौधे की जड़ों तक पोषक तत्वों और पानी के संचारण में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी, कवक द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त अवशोषित सतह के कारण माइक्रोराइजा से बढ़ी हुई पोषक तत्व उपलब्धता माना जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, एग्रोबैक्टीरियम में। अगला क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, लेग्यूम जड़ के नोड्यूल्स में। अगला क्वेश्चन, एजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, बड़े पैमाने पर बायोमास उत्पादन करने के लिए बहुत तेजी से गुणा करता है। अगला क्वेश्चन, नीला हरा शैवाल एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, एना बिना। अगला क्वेश्चन, भारतीय गांवों में आम ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, बिजली। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड के बारे में गलत कथन का चयन करें।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी प्रकृति मेजबान सेल पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीव जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूक्ष्म जीव। अगला क्वेश्चन, कौन सा जैव रासायनिक चक्र बिना और वायुमंडल घटक के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, कीमोऑटोट्रॉफ अकेले पर जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, जैव कीटनाशक क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जीवित जीव को विशिष्ट कीड़ों को मारते हैं। अगला क्वेश्चन, VAM का अर्थ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वैस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन, कांगो रेड परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, पायरोलाइसिस क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पायरोलाइसिस 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कृषि अपशिष्ट को गर्म करने की एक प्रणाली है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।